बैठ जाओ ना। ओके वैसे तो देखिए यहाँ पर ये तो सुबह ये लोग नाश्ता कर रहे थे अपना, और अभी ये जो है यहाँ पर सुबह का टाइम था, तो ये देखिए यहाँ पर मेरा बेटा उठ गया था और ये नाश्ता करते साथ साथ ये जो अपना रिपीट भी कर रहे थे। आज इन लोगों का जैसे कि मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर किया था कि इनका जो है मैथ का पेपर है, तो मैथमेटिक्स का था इनका आज का पेपर, तो इसी को ये लोग जो है रिवाइज कर रहे थे, मतलब क्वेश्चन आंसर वगैरह। मैं लोग रात में मैंने मतलब इनका टेस्ट वगैरह बना के रख दिया था और थोड़ा काफ़ी इन्होंने सॉल्व कर लिया था वैसे तो, लेकिन थोड़ा बहुत बाकी था, तो रिपीट के लिए मैं ऐसे इन लोगों से कह रही थी कि तुम लोग रिपीट कर लो, और फिर ये कि थोड़ा मतलब बच्चों का रिवीजन हो जाता है और फिर अच्छे से इनकी तैयारी भी हो जाती है। तो ये भी इसका देखो, ये मेरी बेटी यहाँ पे जो है बलून्स फैला रही थी, तो इसका आज पेपर नहीं था और इसका जो है कल पेपर है, इनका जो है मतलब कल साइंस का पेपर था, पेपर है। अब ये साइंस की तैयारी करेंगी, तो कल थोड़ी बहुत हो गई थी और थोड़ी बहुत जो है आज मतलब कंटिन्यू करेंगी। तो बस ये था सुबह का, ऐसे ही टाइम होता है बढ़ता बढ़का। और यहाँ पे ये देखिए मेरा पूरा कमरा वगैरह फैला हुआ था क्योंकि बच्चे अभी गए थे लेट के, सारा फैला के कॉपीज़ वगैरह भी सारी मुझे समेट के रखनी है, और इसके अलावा अभी जो था मुझे कपड़े भी धोने थे, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो था इसके कवर वगैरह उतार रही थी क्योंकि अभी जैसे कि मैंने 15 दिन हो गए थे मुझे इसके चेंज करे हुए, तो अब रमज़ान आने वाले थे, तो अब रमज़ान में तो बहुत कम टाइम होता है ऐसा कि सफ़ाई वगैरह करने का या एक्स्ट्रा ये जो सारे काम होते हैं करने के, तो इसलिए जो है मैं आज ही मैंने के धो के रख देती हूँ। और फिर देखें सैटरडे संडे या मंडे का, देखो मंडे हाँ या संडे ही आई थी रोज़ा होगा पहले, तो उससे पहले थोड़े बहुत ये जो कवर वगैरह थे इसके मतलब तकिया ग़िलाफ़ थे तो मैं उतार के और अभी धो दूँगी। इसके अलावा यहाँ की चादर वगैरह भी मैं सारी उतार दूँगी क्योंकि जब इंसान रमज़ान वगैरह होता है तो सफ़ाई सुथराई होती है, अच्छी लगती है और साफ़ सुथरा घर होता है तो फिर इबादत में भी दिल लगता है। और सबसे अहम काम ये होता है कि मतलब अभी जैसे कि गर्मी चल रही है तो रोज़े भी काफ़ी थोड़े हार्डी हो जाएंगे शुरू के, तो इसमें तो ये होता है बस वैसे ही हिम्मत नहीं होती कुछ काम करने की, वैसे ही मतलब घर में एक्स्ट्रा काम काफ़ी बढ़ जाते हैं क्योंकि अफ्तार का फिर जैसे सहरी का होता है, और इसके अलावा जो बच्चे हो छोटे होते हैं तो खैर उनके लिए तो पकाना भी पड़ता है, तो इस वजह से जो है मतलब दोपहर का तो खैर लगता ही नहीं कि रोज़ा है या नहीं है क्योंकि बच्चों के लिए तो ऑलरेडी हमें बनाना पड़ता है। फिर अगर मेरा यही रूटीन होती है कि दोपहर में ही मैं बना के रख देती हूँ, फिर हम लोग जो है सहरी में खा लेते हैं, और फिर ये होता है बच्चे भी दोपहर में जिनके मतलब एक दो बच्चे होते हैं कि वही रोज़ा रख पाते हैं और उसके अलावा रोज़ा नहीं होता। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारा चेंज कर लिया, तो इस वक्त जो हो रहा था मतलब इवनिंग का टाइम था, तो खाना वगैरह मैंने जो था बनाया था आलू गोश्त, तो वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं करा था क्योंकि मैं काफ़ी काम वगैरह में लगी हुई थी, तो बस मैंने थोड़े बहुत सफाई आप लोगों को सुबह की दिखा दी थी, चादर वगैरह मैंने चेंज कर ली थी और थोड़ा मेरे मोबाइल में मसला हो गया था इस वजह से मैं कैचअप नहीं कर सकी जो मेरी रूटीन थी। तो ये देखें यहाँ पर मेरी बेटियाँ थी, काम वगैरह थोड़ा करवा रही थी, तो यहाँ की मैंने चादर चेंज करी थी और अभी शाम की मैं झाड़ू वगैरह दिलवा रही थी यहाँ पर। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर मैंने सारे कपड़े वगैरह थे वो भी मैंने धो के रख दिए थे क्योंकि अभी जैसे कि जो चादर वगैरह थी जिस वक्त मैंने उतारी थी तो उसी वक्त मैंने जो भिगो दिए थे ताकि क्या फिर एक्स्ट्रा पड़े रहते हैं कपड़े तो फिर वो मुश्किल हो जाते हैं धोने के लिए, तो अभी वैसे भी बहुत कम टाइम है। तो ये देखिए यहाँ पर अब मैं इसका साफ़ हो गया था हमारा ये वाला रूम, और फिर उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। किचन में भी दोपहर के थोड़े से मतलब चाय वगैरह के बर्तन थे, खाना वगैरह खाने के बाद मैंने बनाई थी चाय जैसे कि हमारी रोटली बनती है तो वो मैंने था। और अभी देखिए मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने दोपहर में क्या बनाया था, तो यही चिकन और आलू ही बनाए थे मैंने। तो ये देखें यहाँ पर जो तब मैं किचन में ये देखें आ गई थी और अब मैं जो है यहाँ पर बर्तन अपने जो है मतलब 2-4 प्लेटें थी कप वगैरह थे उसको मैं जो है धो के रख दूँगी। और किचन में घुसो तो बस यही होता है कि बस एक्स्ट्रा काम काफ़ी निकल आते हैं क्योंकि बस किचन में या आप जो भी दो भी काम करेंगे किचन में तो वो भी सबसे पहले जो है हमारे बर्तन हो जाते हैं यहाँ पर सबसे पहले, तो उसको हमें धोने पड़ते हैं। तो बस इसी की वजह से यहाँ पर ये देखें मैंने कप वगैरह थे चाय के ये धोंगी। और शाम के लिए जो था मुझे लंच वगैरह में मुझे कुछ भी नहीं बनाना था क्योंकि शाम को मैंने जैसे कि आलू और मतलब चिकन वगैरह जो बनाई थी उसी में जो है मैं यहाँ पर चावल ऐड कर दूँगी। तो ये देखें यहाँ पर अभी तो जैसे कि गोश्त वगैरह पे बिल्कुल भी पाबंदी लगी हुई है, मटन बीफ की मटन वगैरह खा सकते हैं, तो बस ये था इसलिए मैं ज़्यादा चिकन बना रही है। बीफ तो खैर काफ़ी कम बनाया था मैंने, चिकन में सब्ज़ी वगैरह होती है वो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ और इसमें वैसे खाई नहीं जाती सब्ज़ियाँ जो बीफ मटन में बीफ में खाई जाती थी क्योंकि अजीब सा टेस्ट लगता है, ले इसकी तो सिर्फ बिरयानी या आप कढ़ाई वगैरह बना लें किसी भी किस्म की अचारी कढ़ाई या वाइट कढ़ाई मतलब होती है तो काफ़ी इसमें वैरायटी होती है, लेकिन कहते हैं ना थोड़ा शुरू वाला खाना अच्छा लगता है बच्चों के साथ और फिर ये होता है कि ना मैं साथ लगा लगे इतना नहीं वो पसंद आता,
तो बस अब क्या करें, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है तो फिर ये काम भी करता है। ये तो आलू वगैरह हमने डाल देते, और अब तो खैर काफ़ी सब्ज़ियाँ सिर्फ इसमें चिकन में ही डालेंगी, क्योंकि वो कहते हैं रोज़ाना दालें वगैरह भी नहीं खा सकते ना, सब्ज़ियाँ रेगुलर हम लोग यूज़ करते हैं तो थोड़ा डिफरेंट चाहिए ही होता है। तो ये देखें यहाँ पर जो था मैंने आलू कुछ बनाया था, मैं इसमें शाम को चावल ऐड करूँगी, और उसके बाद अभी देखिए असर का टाइम था तो जा नमाज़ मैंने भी चा ली थी यहाँ पर, तो नमाज़ वगैरह पढ़ूँगी और चाय बनाऊँगी। और ये देखिए ओके बस इस वक्त टाइम हो रहा है, शाम के बज रहे हैं तकरीबन 5:30, और असर की अज़ान का टाइम हो चुका है, और मैंने जा नमाज भी चाहिए और नमाज़ वगैरह पढ़ूँगी और उसके बाद चाय वगैरह बनाऊँगी। और आज जो मैंने बनाया था, मैंने बनाया था आलू और चिकन, क्योंकि अब जो है यहाँ जो पाकिस्तान में तो पता नहीं, लेकिन हाँ कराची में बिल्कुल जो है गोश्त वगैरह जैसे कि पाबंदी लग चुकी है, तो बीफ और चिकन भी खा रहे हैं, कम खा रहे हैं, लेकिन बीफ तो बहुत ज़्यादा है, तो बीफ के गोश्त सभी अवॉइड करें। तो जो भी सब्ज़ी वगैरह है सब तो मैं बना रही हूँ, सारी चिकन में ही बना रही हूँ, तो भी मैंने चिकन में ही बनाया था। तो अभी मैं नमाज़ वगैरह पढ़ूँगी, फिर चाय बनाऊँगी शाम की, और इसके अलावा बच्चे जो हैं सारे कोचिंग गए हैं, क्योंकि उनके पेपर्स चल रहे हैं। वैसे मेरी बेटी है ये यहाँ पर थी, और आज मैंने कपड़े वगैरह भी थोड़े थोड़े सारे धो रहे थे, इसलिए मैं सुबह के दादा मतलब खाने वगैरह की रोटियाँ मतलब नहीं शूट कर सकी, क्योंकि मैं दूसरे काम में लगी हुई थी। तो बस अभी थोड़ी बहुत मैंने शूट करी थी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस मेरी वीडियो यहीं तक थी, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको कैसे लगी। मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।